भाई जीतेगा इंडिया टीम जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया टीम जीतेगा। थैंक यू। एनडीटीवी नेटवर्क पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने टारगेट दिया है 241 रन बनाने हैं 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को, और हमें बताया जा रहा है कि अनु मलिक के पास चलना है। पहले आते हैं आपके पास कोच साहब, पहले अनु मलिक के पास चलते हैं। अनु मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, हाउ आर यू? फाइन सर, आप बताएं, 240 रन का टारगेट हमने दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि टीम इंडिया की जिद है कि वो कोई भी ओपोनेंट हो, उन्हें जीतना है, जीतने की जिद है हमारी, और हम जीतेंगे। वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। ये कॉन्फिडेंस आप भी रखिए, हमने रखी है, पूरा भारत आज प्रार्थना कर रहा है कि हमारा टीम इंडिया 241 उनका लक्ष्य है। दे विल नॉट रीच दैट। और मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे। वी लव यू टीम इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। जा कसम जाने जा, प्यार है तुमसे ना, तू ही बता देना वो कैसे छोड़ेंगे। ईस्ट और वेस्ट, टीम इंडिया विल ऑलवेज 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 बी द बेस्ट। अनु मलिक, आप स्टेडियम में नहीं है, वी हैव ऑलवेज सीन यू इन द स्टेडियम supporting the Indian team. How did you miss out on that? Because you are a lucky charm when it comes to all India matches, especially finals, by the way. Thank you for saying that. Thank you so much. मगर मेरी प्रार्थना यहाँ से भी है। आपको पता है मेरा शो चल रहा है सारेगामापा, और मैं उसमें जुटा हूँ, लेकिन everyone is praying for Team India. और आप मानोगे नहीं, अभी जब ये when we go into bowl, मैं अपनी green shirt पहन के cheer करूंगा, आधे घंटे प्रार्थना करूंगा that we will win this world cup, we will have the last, जो बोलते हैं ना, जब आखिरी बॉल बोल उससे पहले ही आप बोलोगे कि अनु मलिक पूरे भारत वर्ष की प्रार्थना, सब लोग अभी सब हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना कर रहे हैं that we bring the world cup home, और मैं अपनी ग्रीन शर्ट पहन के प्रार्थना शुरू भी कर दी मैंने। चलिए अनु मलिक साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप प्रार्थना करते रहिए अनु मलिक भाई, मारिया बोल रही हूँ, आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना की बहुत जरूरत है भारत को। लेकिन पहले ये आप जाइए जी। हाय, बिफोर यू लीव, वन वर्ड फ्रॉम यू, क्योंकि यू हैव सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिद है, और शायद वो जिद ही भारत को जिताएगी। आई थिंक इट शुड बी अ म्यूजिकल। बिल्कुल जिद है, और ये जिद इसलिए है क्योंकि हमने जब भी किसी भी टीम के साथ खेला है, हम उस जिद से खेलेंगे, वी हैव टू विन द मैच। एंड ये जिद हमारे विराट कोहली में भी है, मोहम्मद शमी में भी है, सिराज में भी है, श्रेयस अय्यर में, तो फुल टीम इंडिया इज नाउ यर्निंग टू गो ऑन द फील्ड एंड बोल द ओपोनेंट्स आउट, और ये जिद ही हमें जिताएगी। एवरी इंडियन की एक ही जिद है कि हमें जीतना है। हर हिंदुस्तानी हर फन में आगे बढ़ता जा रहा है जी सर। ये भारत देश है जो और आगे बढ़ेगा। ईस्ट टू वेस्ट, लगे ईस्ट टू वेस्ट, टीम इंडिया इज द बेस्ट। एंड संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब लाओगे, अभी तो लाओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, मार्क माय वर्ड्स। चलिए, थैंक यू सर। एंड देयर इज अ वर्ड दैट इज कमिंग फॉर यू अनु भाई फ्रॉम बद्रुद्दीन जी, ही इज मोहम्मद शमी इज कोच, उनका कुछ कहना है आपके लिए। बद्रुद्दीन सर, यू हैव रियली टॉट मोहम्मद शमी वेरी वेल, एंड मोहम्मद शमी इज रेयरिंग टू गो, और आज भी वो वही हल्ला मचाएगा जो मचाता आ रहा है। पूरी टीम हमारी कमाल की टीम है, एंड वी आर जस्ट यर्निंग टू सी द सेकंड हाफ, एंड व्हाट अ ऑनर टू सी यू सर, व्हाट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू सी यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जो उम्मीद है आपको, वो हम सबको भी उम्मीद आपने बंधा दी है ये कह के, तो अब हम भी सब उम्मीद लगा रहे हैं कि ये 240 रन जो बनाए ये बहुत होंगे। चलिए, नो वे वी विल प्रिवेल सर, वी विल विमल मोहन के पास, वी विल प्रिवेल। मारिया, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। ओके, टेक केयर, वी विल प्रिवेल। थैंक यू वेरी मच अनु मलिक फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आई विल क्विकली गो अक्रॉस टू विमल मोहन, हु इज देयर इन अहमदाबाद ट्राइंग टू गेट अस अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर। विमल जी, क्या हो रहा है वहां पे?
देखिए जैसे अभी आप लोग बातचीत कर रहे थे, जो मैं सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, और आपको याद दिला दूं, जिन लोगों को निराशा है, जो मायूसी है, जो ये उनको लगता है कि मैच हाथ से निकल गया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि 1983 में भी जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो 183 के स्कोर पर जीता था, और हमारे जो अब दो तीन मैच जो फंसा है वहाँ बॉलर्स ने निकाला है। ये ऐसा नहीं कि हर मैच आपको बैट्समैन ही निकालता है। शमी है, बुमराह है, बुमराह का होम ग्राउंड है, और इसके अलावा सिराज हैं और स्पिनर्स हैं। एक ही जो फिक्र की बात यह है कि एक दिन यहाँ ड्यू आता है, एक दिन ड्यू नहीं आता है। ऐसे में अगर आज ड्यू आया तो थोड़ी और मुश्किल होगी, लेकिन मैच हाथ से निकला नहीं है, मैच मुट्ठी में नहीं है, इतना ज़रूर कह सकते हैं। कांटे का मैच है और 5 बार के चैंपियन से है, तो जाहिर तौर पर अगर एक रोमांचक फाइनल होगा तो दर्शकों के लिए पैसा वसूल होगा, और पैसे वसूल पर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आप धोनी के फैन हैं, वैसे आपको एक ट्रेंड बताऊं, यहाँ पे 90% जो आप अगर देखेंगे तो या तो आपका, आप दिखाइए अपना, ये विराट है या रोहित शर्मा, इन्हीं के हैं, लेकिन कुछ धोनी के फैन है, शायद धोनी के मिडास टच की जरूरत है धोनी जैसे, हाँ धोनी जैसा कप्तान माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा को खास करके। और मुझे पता है इंडिया को हार हुई बाजी आराम से निकाल सकती है, और न्यूजीलैंड के सामने भी सेमीफाइनल में निकाली है, तो ऑस्ट्रेलिया को तो कोई बात नहीं, भले ऑस्ट्रेलिया प्राइम टीम है, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम अपने पीक में। आपका क्या नाम है, आप क्या करती है? अगर फील्डिंग में ध्यान देंगे तो इंडिया जीत सकती है, जीत सकती है। और ये लोग, बड़ी बात यह कि ये लोग टिकट के लिए आए थे अब तक मैच में यहाँ, क्योंकि विंडो नहीं है यहाँ पे, विंडो सेलिंग नहीं है, तो ये टिकट नहीं खरीद पाए, अंदर नहीं जा पाए, अभी भी इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग क्या, कितना पैसा तक बातचीत कर रहे थे लगाने का, कितना टिकट, लेकिन आप लोग 15,000 रुपए तक खर्च करने को तैयार थे, 4 बजे विंडो खोला, तुरंत बंद हो गया, तो ये एक टिकट का जो मसला है ये ज़रूर देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं जो यहाँ आते हैं, उनको हमेशा एक आदत है विंडो पे जाके खरीदने की, हर एक कोई ऑनलाइन उतना टेक सेवी होता नहीं है, तो ये सारी मुश्किलें भी रही हैं, लेकिन फिलहाल बाहर से भी जो स्टेडियम के 1,30,000 अंदर हैं और बाकी जो पूरी 130 करोड़ बाहर है, वो ज़रूर भारतीय टीम के लिए दुआएं कर रही हैं और उम्मीद कर रही है कि ये टीम इस मैच को निकालेगी और तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप का खिताब हमारे नाम होगा। जरूर बिमल, हम भी उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा, अभी तो एक इनिंग पूरी बाकी है और ऑस्ट्रेलिया को 240 रन बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे हम अब चर्चा करेंगे कि यदि ड्यू आता है तो क्या होगा। सबसे पहले कोच साहब, आपके पास ये बॉल है, अब बताइए। हाँ, नहीं फेंकना नहीं था, ये थी, आप बताइए बॉल ड्यू होगा तो कैसे बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए ड्यू होता ही आएगा, अगर आता भी है तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने प्रैक्टिस की है इसकी, इससे पहले भी ड्यू में हमने बॉल डाला है तो ज़बरदस्त अच्छा बॉल डाला है, अब जाहिर सी बात है ग्रिप करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ड्यू में, लेकिन अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी तो कोई ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। बाकी आज जैसे अभी तक बॉलर ने बॉल डाला है, अगर नया बॉल हमारे, आज थोड़ा सा मुझे सिराज पे वो है कि आज सिराज नया बॉल अच्छा डाले, जैसे अभी तक नहीं डाल पाया वो ज़्यादा अच्छा, आज अच्छा डाल देगा तो फिर हमें बात के बॉलरों को आसानी हो जाएगी। सिराज काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। और शमी तो अच्छा डाल ही रहा है बॉल, देखिए अभी तक उसने, जब भी उसको बॉलिंग के लिए बुलाया गया उसने आपको विकेट दिया है, तो शुरू में एक आध विकेट ज़रूर चाहिए उससे पहले। सभा भाई, बॉल आपके हाथ में, आप बताइए यदि ड्यू, नहीं नहीं विकेट कीपर होने से आप सबसे स्टंप के नजदीक रहते हैं, कैसी बॉलिंग की आप उम्मीद करते हैं, ड्यू के साथ क्या होता है? बॉल जब गीली हो जाती तो परेशानी क्या होती है? सबसे पहली परेशानी ये होती है, जो सीम आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये सिलाई है वो एकदम गीली हो जाती है, तो बॉल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। पर इन कंडीशन में जहाँ पर बॉल गीली हो जाती है, वहाँ पर मोहम्मद शमी चूंकि ज़्यादा वो सीम पोजिशन पर ही बॉल डालते हैं, उनके लिए कम से कम ये विकल्प है, क्योंकि उनकी स्ट्रांग सीम पोजिशन होती है और रिस्ट पोजिशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उम्मीद यही है कि अगर ओस पड़ती भी है तब भी मोहम्मद शमी इफेक्टिव होंगे। उसमें यह है कि आप ज़्यादा वेरिएशन ट्राई नहीं कर सकते, आपकी कोशिश यही होती है कि एक सही लाइन लेंथ के साथ आप बॉलिंग करें। भारत ने अंडर लाइट्स ड्यू में भी गेंदबाजी अच्छी की है, लखनऊ के बारे में बात छिड़ी थी यहाँ पर, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला था वहाँ का जो विकेट था बहुत कुछ ऐसा ही था जो आज यहाँ पर अहमदाबाद का ट्रैक है, वहाँ पर हम लोगों ने 129 में ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को, करीब 229 हम डिफेंड कर रहे थे, तो एक मौका ज़रूर है यहाँ पर, तीनों पेस बॉलर्स अच्छी शुरुआत अगर देते हैं, अगर अर्ली स्पेल में हम 2 या 3 विकेट ले लेते हैं फिर मुझे लगता है कि स्पिनर्स का दबदबा बना रहेगा। विजय भाई, स्क्रैम्बल सीम क्या होता है बताइए? लेवल 1 का इम्तिहान है आज यहाँ। जो सभा भाई ने कहा ना उसको मैं थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। जब
ओस गिरती है और जो आप सीम की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप फिर क्रॉस सीम डालने की कोशिश करते हैं, फिर क्रॉस सीम से डालने के बाद आपका जो स्विंग की जिसकी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वो चीज़ बिल्कुल पिक्चर से बाहर हो जाती है। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी बाबा, यहाँ पे जितने रन हम भारतीय टीम ने आज यहाँ बनाए हैं ना, वो ड्यू के फैक्टर की आप बात करें, आपको ऑल आउट ही करना पड़ेगा। गेम आखिर तक जाने वाला नहीं है, और अगर 50 ओवर तक चला गया गेम तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही जीत जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना खेलने का तरीका नहीं बदलेगी। वो पहले 10 ओवर में यही उनकी खासियत है कि वो पहले 10 ओवर में उसी इंटेंट के साथ आएगी, चाहे उनकी विकेट गिर जाए। उन्होंने ये देखा था कि साउथ अफ्रीका की गेंस भी अगर वो पहले रन नहीं बनाते 6 ओवरों में 60 तो दिक्कत पैदा हो सकती थी, और भारतीय स्पिनर उनसे कहीं बेहतर है। तो उनके तो अपनर ही रन बनाते आए, उसके बाद तो मैक्सवेल ने बनाया सीधे जी। हमारे भी तो चले नहीं, स्मिथ नहीं चले, लबुसेन नहीं चले, भारतीय टीम के भी पांचों खिलाड़ी रन बनाते हुए आए थे। इस खेल में इम्तिहान ही है। अभी अगर देखेंगे आप, अगर रन पीछा करते वक्त जल्दी विकेटें आप गिरा देते हैं ना तो दबाव और ज़्यादा होएगा। भारतीय टीम को ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 213 ही चाहिए थे ईडन गार्डन में, और बहुत अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई थी। अगर अर्ली विकेट मिलते हैं या बहुत एक्सप्लोजिव स्टार्ट नहीं मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, तो भारतीय खेमा ये सोचेगा कि आप गेम के अंदर हैं। विजय, विल ड्यू मेक इट इजियर एज फार एज द बैटिंग टीम इज कंसर्न्ड ऑन दिस पिच? जी हाँ, ड्यू विल मेक अ डिफरेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट्स अ टू वे, आई मीन लाइक समटाइम्स यू फील इफ देयर इज अ ड्यू the pitch in the center settles down a bit more than you know what is expected as the game goes on, you always feel there'll be more wear and tear, but dew coming into the pitcher will settle it down, and the outfield that puts much more pressure on the bowling side. I also want to get Ritinder Singh Sodhi into the conversation. Ritinder, what do you see about the situation that India is in right now, especially with how we are supposed to go out and bowl now? We can take inspiration from the match against England in Lucknow, and like Sababhai mentioned, it's a similar kind of a wicket. Do you see somebody like a Siraj or Bumrah and Shami doing exactly what they did against England in this match as well? Look, Usama, it's very important. Now we have to accept the fact. Now the entire fate of this final, when we talk about India winning the World Cup, is in hands of bowlers. They have to prosper. They have to do well. They have to make early inroads. And Vijay Bhai has rightly said, the only chance India has is picking up wickets. They can't just put brakes on the runs and wait for the wickets to fall. They have to attack from bird go. If Australia plays 50 overs, it should be curtains for India. But India has a decent bowling lineup. They have bowlers who can win the match for you. Mohammad Shami in prime form. Aur agar hum Dew ki baat karte hain, dekhiye Dew mein bowling karna hame aata hai. Hum professional cricketers hain. Hum iski taiyari karte hain. Usme zyada mushkil nahi hogi. Lekin mushkil hogi jab Dew padti hai na, wicket thoda aasan ho jata hai. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बाद में बल्लेबाजी कर रहा है, उन्होंने चांस लिया है कि जब ड्यू पड़ेगी जडेजा कुलदीप यादव को खेलना आसान हो जाएगा, और वहां पे कहीं ना कहीं हमें अब सतर्क रहना होगा, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, और फील्डिंग में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 30 से 40 रन बचाए हैं, तो वी हैव टू बी एजाइल इन फील्डिंग एंड स्टॉप एज मेनी रन एज वी कैन। Gulshan ji, I have a question to Gulshan ji. We are comparing this to the Lucknow game, and it was also a low scorer. But the conditions, though the pitch may be of similar nature, but the conditions in Lucknow would have been very different from what the Indian team and the Australian team will encounter in Ahmedabad, right? I think the weather is also more colder, I think, in Lucknow. Yeah. In Lucknow. And in Ahmedabad, I don't think it is too cool. But the target there, 229, and here we have scored 240. But I think the opening spell is very, very important. Mm-hmm. Plus, now we have been talking about the dew. If there had been only one ball, but now we are using two balls from both ends. So it won't be that much difficult for the bowlers to grip the ball, because there are two balls now. And plus, our bowlers have bowled earlier also when the dew was there. And I think dew will come, if it come, it will come after 25 to 30 overs. And before that, if we take 4-5 wickets, then it will be, I think, match for India. If you can just add here, whatever Ghosh is saying, I think when you are trying to chase a target, especially with these conditions where dew is expected, then you want to take the game deep, as deep as possible. Yeah. So that would be number one ploy for Australia. The other one would be to score as many runs as possible against the new ball. The kind of approach with David Warner and Travis Head has shown in the last game, that's what they would try and do once again. So I think for India, there is a possibility, if India attacks and picks up some early wickets, that's how we can apply pressure on Australia. So it's going to be a very interesting run chase for Australia. And I think India, although India has got a very strong bowling lineup to defend the score.
जब आप इस तरीके के रन पीछा कर रहे हैं ना, खासकर ऑस्ट्रेलिया खेमा, तो ऑस्ट्रेलिया खेमी की नज़र वॉर्नर पे आपने बात किया, ट्रेविस हेड के ऊपर आपने बात किया, लेकिन ये जो स्कोर है ना जो 5 रन से कम के होते हैं, ये मैचेस लबुशान और स्मिथ के हैं. Okay. वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ नजर रहेगी क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो and Smith hasn't yet got a big one in this world and he's got a good number. This is the kind of pitch where he's yeah, going to yeah, you know, in fact Labuschagne wasn't supposed to be in this team, but because of whatever circumstances he managed to get back into this team, and now he's in a situation which is very tailor made for a batsman like him. And they made a mistake in the last game, so they'll be in their mind as well. The kind of shots that they both of them have played again against South Africa, they'll be, you know, rectifying that mistake and just try and stay there. Because if they stay in this game, they'll win it. The only option for the Indian bowler is to get wickets and get them out. Get them out. Yeah. And are you of the opinion that they'll be going for big runs right in the beginning, or will it be about completing the whole 50? Not at all. This is not an Australian way of playing cricket. They will come hard and they will attack. They're not going to change their style of play. Once again, it's going to be decided in the power play. तो इसका मतलब है कि वो पहले 15 ओवर में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे. कम से कम पहले 10 ओवर में उनका प्रयास यही रहेगा कि नई गेंद के साथ वो तेज गति से रन बनाए, ताकि दबाव वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे भारतीय सीमर्स के ऊपर होना चाहिए. इसके बारे में उन्होंने कई बार बात भी की, हमारे जो 3 सीमर्स हैं उनमें एक सीमर को हमेशा प्रयास करेंगे अटैक करने के लिए, जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने किया था मोहम्मद सिराज को, तो उनकी भी कोशिश कुछ इसी प्रकार की रहेगी. थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी है ऑस्ट्रेलियन के बैटिंग में, जो पिछला मुकाबला वो खेल रहे थे दक्षिण अफ्रीका के साथ, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा एग्रेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे ख़राब शॉट्स खेले थे. तो उनका प्रयास यही होगा कि एग्रेसिव रहें, पर शॉर्ट सिलेक्शन में ज्यादा उनको मेहनत करनी होगी. हम सौरभ के पास चलेंगे, लेकिन विजय भाई आप जल्दी. हमारे पास 5 अच्छे गेंदबाजी नहीं है सिर्फ, हमारे पास इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कप्तान भी है. जरूर बढ़िया कप्तान भी है. सौरभ हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं. सौरभ बताइए, दिखाइए क्या है आपके पास. देखिए फैंस उत्साहित है, फैंस कह रहे हैं कि जरूर हम जीतेंगे. ये टोटल ठीक ठाक है जीतने के लिए, आपको लगता है टोटल ठीक ठाक है? ये बहुत अच्छा टोटल है. दिस पिच इज लाइक वेरी स्लो. ये टोटल हम लोग इंडिया 100% जीतेंगे. 150 ऑल आउट है ऑस्ट्रेलिया. आपको लगता है ठीक ठाक है टोटल जीतने के लिए? बहुत अच्छा टोटल है ये. क्या लगता है आपको आज बॉलर्स में से कौन परफॉर्म करने वाला है? शमी कुलदीप जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज अ केक वॉक फॉर अस. हम लोग जीतने ही वाले हैं. और बैटिंग में हम थोड़ा अगर और टोटल अच्छा होता तो कंफर्टेबल होते, लेकिन इस बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप फाइनल का बैटिंग परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा का जो इनिंग्स था, ये पूरा मैच में सबसे क्रूशियल इनिंग्स था. इट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, आई थिंक सो. विराट भी बहुत अच्छा खेला है, एंड ऑल्सो केएल राहुल. या केएल राहुल ऑल्सो. व्हाट अबाउट, व्हाट डू यू थिंक केएल राहुल इनिंग्स? अ बिट स्लो बट गुड इनिंग्स फॉर इंडिया एक्चुअली. All right. Can we have some cheering for India? Go India! Go India! Vijay. I have one question to Vijay, and this is not a question from me. This is a question from my director. He's saying that he is being reminded of that first over by Zahir Khan in the final in 2003. He's still licking his wounds. Are you thinking about that? Anyone thinking about that over of Zahir Khan? No. 18 no. runs. No. And no explanation here, no. No. Okay. No. And no, no one here to no, pulverize Rika, India no, like Rika, that. Rika, like how Ricky Ponting members, did. Not Sorry? Even the team members, because they were, I believe, just toddlers. So no one would remember that. Sabha, I was there and I'm still no, wiping my tears. I'm talking about the team members. All of them were kind of toddlers okay, then. So for all those who are here, let's try and get their views about how do they see the first innings. And there are some young players as well. Yes. How was the first innings? मतलब जैसी उम्मीद थी वैसा तो नहीं था, पर ठीक है. क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ? थोड़ा हम और अच्छा टारगेट दे सकते थे उनको 280, पर जो हमारे मेन विकेट चले गए थे रोहित शर्मा का, वहाँ पे 47 पे आउट होना, ये सब हमें हर्ट ब्रेक था ही हमारे लिए. हमारे बैट्समैन काफ़ी अच्छा कर सकते थे, पर सिचुएशन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है. इज देयर एनीबॉडी हु इज होपफुल एंड विल से 150 में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी? सी हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो 150 तो नहीं, पर हाँ 200 से पहले आउट कर सकते हैं. बट जैसा कि सर लोगों ने कहा कि पावर प्ले में वो लोग अटैक करने जाएंगे, तो वही हमारा टाइम है कि उनको आउट कर सकते हैं, तो वहीं से हम लोग गेम पलट सकते हैं. जी कब गेम पलट जाएगा? जैसा सिराज बॉल डालना आएंगे, उनका बॉल सिराज बॉल अंदर आता है अच्छा खासा, अगर सिराज विकेट लेते हैं या
रन कम रन देके दबाव बनाते हैं, उस बाद में समय आते हैं विकेट लेते हैं, तो फिर चांस बढ़ जाएगा। You have something to say? No, but I think that India will win and India will defeat win. Australia yeah, after. He's saying उसके उंगली तो कोच साहब के पास जाएंगे, कोच साहब क्या बोलेंगे? And I think that in India will defeat Australia after 200 runs. 200 runs, very good, very good. बच्चे तुम्हारी विश पूरी हो। Anybody on this side? There's somebody holding Mohammad Shami's poster, Baba here. आप बताइए क्या होगा? I think before 150 runs or before 200 runs, we could get like 8 to 10 wickets. And I think Shami and Siraj and Jadeja, they could probably dominate the game. And I think Team India will try their best so that Australia could not get so their Australia cannot get near to their score, but I think it's 100% for India. Okay. It's 100% for India. How much percentage are you giving for India? Are you 100%. As optimistic as him? Yes, 100%, because India still has the control over the game, because though we felt a little bit less hopeful, but now I think it's 100%. Like we have to make the confidence, and we should be confident about our country. Yes, he's confident. What about you? Definitely 110%. Okay, there's 10% more. 110%. What about you? So you're smiling and you're so hopeful. Okay. All right. Okay. It is halfway. Yes, over to you. We are halfway into the match. 241 is the target for Australia. When we come out to bowl, it is going to be up to Mohammad Shami, the likes of Mohammad Shami. पहले तो बुमराह की बात हमने की नहीं, बुमराह की बात करनी चाहिए थी, and बुमराह and सिराज and कुलदीप and जडेजा, the top 5 bowlers that we have in this team. Are we going to do exactly what we did against England? We'll have to wait and watch for that. चलिए, तो हमें इंतजार रहेगा कि कैसे भारतीय पेसर्स बॉलिंग करते हैं और बाद में स्पिन जो हमारे डू हैं वो कैसे करते हैं और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेलती है।